अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब हम एक तरह अपने पूरी बेसिक केमिस्ट्री को यहाँ पर लेके आते हैं, और जो लास्ट हमने अर्विन स्क्रोडिंगर साहब का अटोमिक मॉडल पढ़ा था उसकी बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई करते हैं उस अटोमिक मॉडल को। आपने बेसिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि मेरे पास एक एटम में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स मौजूद होते हैं और उन शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सारा आपने रदरफोर्ड, बोहर, एटॉमिक मॉडल, इन सब के अंदर चीजों में पढ़ लिया है। अब अगर मैं एक ऐसा एटम बनाता हूं जिसके पास के शेल है, ये आपका फर्स्ट शेल के, फिर एल, फिर एम और उसके बाद एन, एन के बाद भी अगर कोई शेल होगा तो एन के बाद अल्फाबेट आता है ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर करते रहेंगे। तो आपके यहाँ पर जो शेल्स हैं जिनको आपने अभी एटॉमिक मॉडल्स के अंदर पढ़ा, इनको आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो शेल्स बोलें, ऑर्बिट्स बोलें, एनर्जी लेवल्स बोलें, बेसिक केमिस्ट्री में आपने इनको नाम दिया था सबसे पहले शेल को के शेल, उसके बाद आपने जो इसके बाद शेल था उसको एल शेल, फिर आपने कहा एम शेल, और सबसे लास्ट आपने, क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़े तो एन शेल तक काम हो रहा था। इसके आगे ओ शेल भी होगा, इसके आगे और कोई अल्फाबेट है तो ओ वाला शेल भी आप हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये एटम बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो आपने पढ़ा था कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे तो पहले 4 अलग अलग फिल होंगे और उसके बाद फिर मजीद 4 पेयर बना के आपस में फिल होंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं फिल होगा सिवाय के शेल के। के शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में फिल नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में फिल नहीं हो सकते, लेकिन एल शेल और उसके बाद जितने भी शेल्स हैं उसके अंदर ये साथ में फिल हो सकते हैं। अब जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अकेला होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो खाली जगह है वहां भी अकेला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक घर में छोड़ दिया जाए जिसमें आप पहली दफा गए, तो आपके पास इतने ज्यादा घर, उस घर के अंदर अगर कमरे हो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आप क्या करेंगे, हर एक कमरे में जाके चेक करेंगे। जैसे ही लोग बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, जहां पे एक अकेला इंसान कमरे में था अब दो इंसान एक कमरे में आएंगे, और लोग बढ़ गए, कमरा बढ़ा है, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ। तो अगर आपके पास लोग कम है तो एक कमरे में एक इंसान को हमने अलॉट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, होटल में अगर लोग रिजर्व करवाते हैं, अपना कमरा बुक करवाते हैं, तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि दो लोगों को एक साथ ठहरा देते। लेकिन अगर ज्यादा लोग हो जाए तो फिर हो सकता है कि वो एक साथ ठहराना शुरू कर दें। वो कोशिश करते हैं कि जो लोग एक साथ आए वो एक ही कमरे में रह लें बजाय अलग अलग के। तो वही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर जगह है, जाहिर स्पेस है। ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिक केमिस्ट्री में आपने सीख रखा है। अब थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़ते हैं। आपने पढ़ा के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम और एन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी आपने बेसिक ये पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं। एम शेल के अंदर 18 आ सकते हैं और एन शेल के अंदर अराउंड 32 आ सकते हैं। कैसे? आपके अरविंद साहब ने कहा कि आपका जो शेल है उसके अंदर और मजीद सब शेल्स हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपने ये चीज पढ़ी कि आपके जो भी एटम है वो कंटिन्यूअस इमिशन नहीं करता, कंटिन्यूअस एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करता है ना इमिट आउट करता है, बल्कि वो वक्तन फवक्तन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जंप करेगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। ये सब आपने पढ़ा है पीछे बोहर के अंदर। तो अब उसी बेसिस पे जब देखा गया तो जो एक स्पेक्ट्रम निकला था, दिखाया गया था, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल से निकल के एम शेल में गया, तो उन्होंने देखा कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके अंदर एक बारीक सी लाइन है जो डिफरेंशिएट कर रही है उसी कलर को, उसी स्पेक्ट्रम को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है, ये आ रहा है लाइन स्पेक्ट्रम, लेट सपोज रेड कलर का आ रहा है। अब एक बारीक सा फर्क नजर आया कि ये आपके पास थोड़ा सा डार्क हिस्सा है
और ये वाला बहुत मामूली सा फर्क है, थोड़ा सा लाइट है। तो उन्होंने वहां पर, अब हम किताब में जब आएंगे तो इसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज में यूज करूंगा, कि आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रोसेस है, जिस तरह माइक्रोस्कोप होती है उसी तरह एक और डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देख सकती है। आप लोगों को अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया देखना है, वायरस देखना है, या और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम देखना है तो स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरीके से बहरहाल आपको यहाँ पर एक नजर आया मामूली सा फर्क, तो वहां से इन्होंने अर्विन स्क्रोडिंगर साहब ने कहा कि आपके पास सब शेल्स होते हैं एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ सब शेल्स हैं। तो के शेल के अंदर एस ऑर्बिटल होता है या एस सब शेल होता है, के ऑर्बिटल के अंदर एस ऑर्बिटल है। अब अगर ऑर्बिटल वर्ड यूज नहीं करना तो के शेल के अंदर एस सब शेल है, एल ऑर्बिटल के अंदर एस भी है और पी भी है, दोनों है। एम के अंदर एस भी है, पी भी है और डी भी है। एन के अंदर एस पी डी और एफ, ये सारे हैं, लेकिन एफ के बाद मजीद और कोई नहीं आता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो है नहीं। उन्होंने एस ऑर्बिटल इसलिए कहा स्पेरिकल था, पी ऑर्बिटल डंबल शेप था, उसको वैसे ही पी ऑर्बिटल नाम दे दिया। अब ये नाम क्यों दिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नाम है, उसकी डिटेल में जा रहा हूँ। बहरहाल आपके पास एस पी डी और एफ ये चार ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बात आपको अभी याद करनी है। ये आपके जो एटॉमिक मॉडल है उसमें उन्होंने बताया था कि शेल के भी सब शेल है। तो वही मिसाल हो गई कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक डब्बा है जूतों का, डब्बा खोलेंगे तो उसमें दो जूते निकलेंगे, तो अगर एल शेल है तो आपके पास ये वो डब्बा है, और उस एल शेल के अंदर जो दो जूते हैं वो एस और पी ऑर्बिटल हैं। तो आपके पास जो भी शेल है उसके अंदर मजीद उसके सब शेल्स हैं। तो अगर किसी के कमरे में बाथरूम है तो बाथरूम भी तो कमरा ही है। तो अगर आपको कभी रात में जगह नहीं मिलती, सोने का दिल चाहता है, बाथरूम में जाके सो जाए, बाथटब है पानी डालें सो जाए, तो यहाँ पर आपके पास शेल के अंदर मजीद सब शेल्स हैं। तो हेडिंग के अंदर जिस तरह सब हेडिंग होती है, वैसे ही आपके पास एक शेल के अंदर सब शेल होता है। अब मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, एस ऑर्बिटल जो होगा उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये एक पैकेट की फॉर्म में होता है। तो एस ऑर्बिटल सबसे छोटा सब शेल है और वो के शेल के अंदर सिर्फ पाया जाता है अकेला। तो एस के अंदर एक हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आ गया एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करें दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर आ गया, ये एक पेयर बन गया। जिस तरह मोजा आप अकेला नहीं पहन सकते, जूता आप अकेला नहीं पहन सकते, यहाँ पर इदारे में आ रहे हैं एक जूता पहन के कोई नहीं आएगा, दोनों पहनने, तो दो इलेक्ट्रॉन इस पैकेट के अंदर आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल की बात करूं, ये तो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की अगर बात करूं तो यही एस ऑर्बिटल तीन एक साथ अगर मिलके इकट्ठे हो जाएं और आपस में ग्लू से इनको एक साथ जोड़ दें, तो आपके पास ये तीन एस ऑर्बिटल हैं। ये तीन एस ऑर्बिटल मिलके अब एक पी ऑर्बिटल बना देते हैं और इसके अंदर छह इलेक्ट्रॉन्स आपस में आ सकते हैं। तो अगर मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, दूसरा इधर, और तीसरा इधर आने के बजाय इसके साथ पेयर बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास जगह है ऑर्बिटल में तो ये अकेला जाना पसंद करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। हाँ, मजबूरी है कि एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वो जगह ही नहीं है तो पेयर बनाएगा। तो छह इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से पी ऑर्बिटल में आते हैं। यही एस ऑर्बिटल आप पांच एक साथ जोड़ दें, ये आपके पास एक दो तीन चार और ये पांच, पांच एक साथ जोड़ दें तो अब आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह बन गई। तो अभी हम सबको, मेहमानों को अपने अपने कमरों में ठहरा रहे, आपके मेहमान बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जगह जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो पहले एस में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे वो डिस्कस अभी हम कर रहे हैं। तो एस में दो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, पी में छह इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, लास्ट आपके पास आता है एफ ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एफ ऑर्बिटल में आप एस ऑर्बिटल एक
जैसे 7 जोड़ दें, 2, 3, 4, ये 5 आपके पास, फिर 6 और 7, आप 7 जगह यानी कि 7 s ऑर्बिटल एक साथ बना दें। ये 7 s ऑर्बिटल आपस में जुड़ के एक एफ ऑर्बिट बना के देंगे, एक और एफ ऑर्बिटल होगा। तो एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना के आएंगे। तो ये 7 पेयर हैं, यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जरा काउंट करें, मैंने कहा एन शेल के अंदर एस पी डी और एफ चारों होते हैं। काउंट करें, एस 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी 6, तो आपके पास कितने हो गए, 2 + 6 8, डी के अंदर 8, टोटल 10 हैं तो 18। अच्छा, एस पी डी एम के अंदर है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एन की बात करें, 18 इन तीनों को मिला के थे, 14 और ऐड कर दें, 18 + 14 32, एन के अंदर 32। अब अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने होंगे तो एफ ऑर्बिट तक ही आपके सब शेल्स हैं, सब ऑर्बिट्स हैं, एफ के बाद कोई और नहीं है, जी या एच ऑर्बिट नहीं आता, एफ ऑर्बिट ही स्टॉप हो जाता है। लेकिन अब नंबर ऑफ शेल्स, जैसे ये आपके पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसके आगे कोई और शेल होगा वो फिफ्थ होगा। मैं यहाँ पर अगर, वैसे जगह खत्म हो गई है, मैं बना देता हूँ, ये आपके पास अगर एक और शेल में बना रहा हूँ तो ये फिफ्थ शेल आएगा, इसको हम नाम ओ दे देंगे। तो KLMNO शेल, ओ शेल कौन सा है, फिफ्थ। फिफ्थ के बाद 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 7 तक हम स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपके पास अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो मेरे पास तो सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी 32 एटॉमिक नंबर तक मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। लेकिन ये तो मैंने बात की एन शेल तक की, के में अगर 2 आ गए, एल में 8 आ गए, और एम के अंदर 18, एन के अंदर 32, टोटल सम करें कितना हुआ, 32 + 18 50 और + 10 60। अभी भी 60 एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नेचुरल जो न्यूट्रल स्टेट है उसमें है तो आपके 60 ही एटॉमिक नंबर होगा। 60 एटॉमिक नंबर, 60 एटम्स को हमने अकोमोडेट कर लिया। अब 60 के बाद भी तो और एटम्स हैं, उन्हें कहाँ अकोमोडेट करेंगे, तो उनके लिए एक तरीके कार होता है कि नंबर ऑफ शेल्स 7 मैक्सिमम आपके पास पीरियड है एटॉमिक। मैं आपको जब अगला चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो आपके पास टोटल 7 पीरियड है, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है पीरियोडिक टेबल में वो आपके 7 है, यानी पीरियड को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो कॉलम्स है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स, अगर ग्रुप ए और बी की बात करें, ग्रुप बी के अंदर 10 ग्रुप्स हैं और ग्रुप ए के अंदर 8 ग्रुप्स हैं, लेकिन जो पीरियड है ऑल ओवर द पीरियोडिक टेबल वो 7 है। अब मेरे पास 7 पीरियड का मतलब 7 शेल्स होंगे, वो आगे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है। तो अभी से इतना आपको पता होना चाहिए, देयर आर टोटल मैक्सिमम 7 शेल्स क्योंकि 7 पीरियड है। उनमें आपके पास जो तरीके कार है फिल करने का, फर्स्ट के अंदर एस ऑर्बिट आता है, सेकंड के अंदर एस और पी होता है, 3 के अंदर 3s 3p भी होता है, 3d भी होता है। क्यों, एम शेल क्या है, थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में एस पी डी तीनों होते हैं। फोर्थ शेल कौन सा है, एन, एन शेल में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। फिफ्थ पे आते हैं, इसके अंदर भी आपके पास सारे होंगे, डी और एफ सारे होंगे। सिक्स पे आते हैं, एस भी होगा, पी भी होगा और भी बाकी चीजें होंगी, मैं इसको डी पे लिख रहा हूँ, ऑल्दो इसका काम नहीं है, 7s 7p। अब इनको फिल कैसे करना है, इनको फिल कैसे करना है उसके लिए एक पूरा तरीका है, आगे मेरे ख्याल से अगले साल जब आप मैट्रिक में, तो नहीं है फर्स्ट ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में आके सीखेंगे कि इसके कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सब क्या है, वो बात की बात है। अभी एक आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा आपके 1s के अंदर, तो एरो हम बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s के अंदर,
फिर इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2p, और फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिल होगा 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिल होगा 3d में, पहले 4s में फिल होगा, इधर एरो के हिसाब से चलना है, 4s में फिल होगा, फिर आपके 3d में फिल होगा, फिर 4s के बाद जब 3d में फिल हुआ, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद अब 4d पे फिल होगा, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, फिर 6p, 7s, 7s के बाद अब ये 5f, फिर 6d, 7p, अब 8 तो होता नहीं है, 8s तो है ही नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ शेल्स को, तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स अगर आपके है ही 7, तो 7p के बाद आगे 8s नहीं जाता, फिर आपके पास और एरो यहाँ पर अगेन स्टार्ट हो जाते, तो बहरहाल इतना ज्यादा आगे आप जाएंगे भी नहीं, आप लोग तो मेरे ख्याल से 4d तक चले जाएं बड़ी बात है, इस लेवल पे इतना आगे नहीं जाएंगे। तो ये आपका जो एरो है किताब में भी बना हुआ है, आपको इस एरो के मुताबिक प्रॉपर तरीके से इसको रटना है, अभी मैं कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली ये रटना पड़ेगा, जब आप आगे अपना लेवल एडवांस करेंगे तो मैं आपको फिर वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ कि ये क्यों आपको उस वक्त अभी रटवाया जा रहा है, बाद में आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे आगे होगा। तो बहरहाल अभी ये पूरा चार्ट, पूरी डायग्राम आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे, इस चैप्टर को एंड कर देंगे, मैं इसकी बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किताब वाली, कि किताब में आपको कहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अगर हम पीछे जाएं, जो आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो बेसिक केमिस्ट्री के मुताबिक ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी, आपने कहा ऑक्सीजन एक एटम है, उसके पास एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 8 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके किस तरीके से डिवाइड हुए, के अंदर 2 आ गए, एल के अंदर 6 आ गए, ये तो सिंपल सी आपकी डिवीजन हो गई। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री के अंदर तो ये करवा दिया था, बेसिक केमिस्ट्री तक तो आपका काम सिंपल सा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स एल में चले गए। अब हम आते हैं नए मॉडर्न जो आपको एटॉमिक मॉडल दिया है, जिसको हम अरविंद साहब ने जो भी दिया था नाम उसका, अब यहाँ पर आपके पास एस ऑर्बिटल में के शेल के अंदर कितना एस ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और के शेल क्योंकि फर्स्ट शेल होता है, तो आप 1s जो उधर लिखवाया, 1s ऊपर जो पावर, इसको हम सब सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं, नीचे अगर होता तो सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ये मैंने जब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ाया था वहां पर बताया थी ये टर्म्स क्या होती हैं। तो ये जो आपके पावर में ये जो सुपर स्क्रिप्ट 2 लिखी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एल शेल क्योंकि सेकंड शेल है, एल शेल मेरे पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर एस ऑर्बिटल भी होता है और पी ऑर्बिटल भी होता है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के पास चले गए, बकिया 6 में से 2 निकाल दें, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो पी के पास चले गए, पी ऑर्बिटल में। तो आपके पास अगर इस डायग्राम को देखो, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में फिल हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन सारे 1s में फिल हुए, फिर उसके बाद 2s में फिल हुए, फिर उसके बाद एरो के मुताबिक 2p में फिल होंगे। अब अगर इजाफी कोई इलेक्ट्रॉन होता तो 3s में फिल होता। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लेट सपोज मेरे पास, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास सोडियम है, सोडियम में आपके पास एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स आर 11, के शेल के अंदर 2, एल शेल के अंदर 8 और एम शेल के अंदर 1। अब आपके के शेल का मतलब क्या है, के शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, और के शेल क्योंकि फर्स्ट शेल होता है तो 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में आ जाते हैं,
एल शेल में आठ है, एल शेल आपका सेकंड शेल है, सेकंड शेल में एस ऑर्बिटल भी होता है और पी ऑर्बिटल भी होता है। एस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये सारा बना के बताया भाई, और पी ऑर्बिटल में छह इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 + 6 आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एल शेल के अंदर। एल शेल में 2 + 6 आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। एम शेल के अंदर एस पी डी तीनों आ सकते हैं। एरो के मुताबिक इन तीनों में से किस में पहले आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा? एस के अंदर जाएगा, तो एस के अंदर जाएगा पहले 3s, क्योंकि एम शेल थर्ड शेल है, 3s। अब इलेक्ट्रॉन अनफॉर्चुनेटली एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस के पास ही रहेगा। तो आगे बार इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। मैं आगे चल के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करवाऊंगा, प्रॉपर आपके जो किताब ने तो 18 का है, मैं आपको 20 20, हाँ 20 के जो एलिमेंट्स हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े थे वो 20 के 20 यहाँ पर करेंगे। हो सकता है आगे भी करवा दूँ, 30 तक करवा दूँ। तो बहरहाल ये वाला काम जो अभी हमने किया इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पूरा अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये जितना भी ओवरव्यू दिया, ये सारा का सारा अब आपकी किताब या नोट्स के अंदर मैं आ रहा हूँ, उसमें किस तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपने वहीं से लिखना है। टॉपिक मैंने समझा दिया कि आपके अब ये जो के एल एम एन शेल्स हैं इसको हम कैसे एस पी डी और एफ में ब्रेक करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। एक लास्ट चीज जो आपकी रह गई वो ये रह गई कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं। इसका एक जर्नलाइज फॉर्मूला है, 2n2। 2n2 में के शेल बीइंग द फर्स्ट शेल, के शेल आपका फर्स्ट शेल है, अगर मैं 2n की जगह 1 पुट करूं आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आएगा। सिमिलरली एल शेल आपका सेकंड शेल है, एल शेल आपका अगर सेकंड शेल है तो 2n की जगह 2 पुट करूंगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल क्योंकि आपका थर्ड शेल है तो एम एन की जगह मैं अगर 3 पुट करूं, थर्ड शेल है, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, वही चीज यहां पर मैंने लिखी है। एन के ऊपर बात करें, एन आपके पास फोर्थ शेल है तो 2n, एन की जगह 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32, वही चीज आ गई। तो जितने भी हमारे पास, अगर 5 की बात करूं, फिफ्थ शेल है, ओ शेल ले लें, तो एन की जगह 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 = 50, आपके पास ओ शेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये असूलन इस फॉर्मूले के मुताबिक है। तो यहाँ पर जितना भी काम हमने किया है, अब हम आ रहे हैं अपनी किताब की तरफ। ये आज का टॉपिक वैसे कंप्लीट हो गया जो आपको मैंने सिखाना था, अब किताब ने कैसे आपको पढ़ाया उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने नोट्स में आ जाए, नोट्स या किताब जिसमें भी आपको जितना भी पीछे पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले, जितने भी आपने एटॉमिक मॉडल वगैरह पढ़ लिए, तो उन सब ने एक बात कही थी कि न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट है एट द सेंटर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिवाइड हैं उनके रिस्पेक्टिवली शेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स को आप शेल्स या ऑर्बिट्स कह रहे हैं। तो डिफरेंट शेल्स या एनर्जी लेवल्स पे, और उनके पास अपनी एनर्जी है। जाहिर है जो आपके पास के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके पास अपनी एनर्जी है, ऑल दो सबसे कम एनर्जी के शेल में होती है, एल शेल में उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हैं उनके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। जैसे जैसे अपने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ शेल की बात कर रहा हूँ, फोर्थ शेल आपका एन शेल है, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू के एल एम शेल। तो हर आपके इलेक्ट्रॉन या हर शेल की अपनी एनर्जी है, और उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो हर आपके एटम के पास अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहरहाल कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स आपको मैंने बता दिया, किताब के हम ऊपर बात कर रहे हैं कि जितने भी ऑल द पॉसिबल पाथ्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स या शेल्स या ऑर्बिट्स। ये सारी आपकी डेफिनेशन आपकी किताब में है, और हम जो नंबर ऑफ शेल्स है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ शेल है, और जो नंबर ऑफ शेल फर्स्ट है तो के शेल फर्स्ट है,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपके पास इस तरीके से चलते रहेंगे। ये सारे के सारे आपके नाम दिए हुए हैं। इन शेल्स को हम क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, इनको हम नंबर ऑफ शेल या क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये आपकी किताब की टर्मिनोलॉजी सारी अब हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, किताब में काफी अच्छी सी डायग्राम बनी है, साफ सुथरी, मेरी तो काफी गंदी हो गई है। तो बहरहाल समझते वक्त गंद मचता है, कोई चीज गंद मचाए बगैर समझ नहीं आती। बच्चा भी अगर जब तक गिरेगा नहीं तो उसको अकल नहीं आएगी, तो गिरना जरूरी है, गंद मचना जरूरी है। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं। आपकी एक्सप्लेनेशन जो भी किताब में लिखी है कि जितने भी शेल्स हैं, अब ये जितना भी आपके पास किताब में लिखा हुआ है शेल्स, इनके एक डेफिनेट अमाउंट होता है, इनकी एनर्जी होती है, और जो आपके शेल्स हैं ये डिक्रीजिंग अमाउंट में होते हैं, यानी सबसे जो आपका छोटा शेल है के शेल सबसे कम एनर्जी रखता है। फिर उससे ऊपर आएंगे और ऊपर आएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है आपके पास पॉइंट वाइज के शेल फर्स्ट शेल है, सबसे लेस एनर्जी है, एल शेल सेकंड शेल है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है के से, एम शेल थर्ड शेल है, उसके पास और ज्यादा एनर्जी है के और एल दोनों से। इसी तरीके से एन शेल के लिए भी होगा, और एन के बाद ओ पे आ जाए, पी पे आ जाए, क्यू पे आ जाए, और भी आप शेल्स बढ़ा दें, आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो जो टर्म आपके पास है डिक्रीजिंग शोन ऑर्डर जो लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बहरहाल। और आपके जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे शेल आपकी एनर्जी उसकी बढ़ती रहेगी। ये आपकी एक्सप्लेनेशन वगैरह है। अब ये तो समझ आ गया कि हमारे पास शेल्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि शेल के अंदर सब शेल्स हैं। तो सब शेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एस पी डी और एफ। अब एस पी डी और एफ ये आपके सब शेल्स हैं। इन सब शेल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ सब शेल्स की, जब भी इलेक्ट्रॉन, ये मैनी नंबर्स हो सकते हैं एक शेल के अंदर, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 18 हो सकते हैं, किसी शेल के अंदर 8 हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 32 32 हो सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे आपस में, क्योंकि सेम चार्ज रखते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपल्जन, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे के दरमियान रिपल्जन क्रिएट करेंगे। आप अगर सेम चार्ज को आपस में लेके जाएं तो अट्रैक्शन होती है, दोनों आपस में एक साथ अट्रैक्ट होते हैं। और डिफरेंट चार्ज अगर नहीं होते, सेम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं, दोनों नेगेटिव हैं, ये क्या होंगे, रिपल्जन क्रिएट करेंगे, दूर भागेंगे। तो ये दूर भागने की वजह से अब अपना एक पैकेट बना लेते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल में भी 3 s ऑर्बिटल है, बेसिकली ये पैकेट बन गया है। तो ये अपने ही एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे ये रहेंगे, अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना लेते हैं, इस तरीके से हम आवर्तन अगर बात करें तो। बहरहाल ये क्या करते हैं, रिपल्जन के अंदर ज्यादा होती है, जिस वजह से ये अपने आप को डिवाइड कर देते हैं और स्प्लिट कर देते हैं शेल को सब शेल्स के अंदर। तो जितना भी शेल आपके पास एल शेल है, अब वो डिवाइड हो जाएगा सब शेल में एस और पी, एम शेल है डिवाइड हो जाएगा एस पी डी और एफ में, इसी तरीके से और भी डिवीजन होती रहेगी। तो बहरहाल आपके पास ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जितने भी आपके मैंने ये डायग्राम बनाई है, यहाँ पर एरोज बनाए, आपकी किताब ने भी डायग्राम बनाई हुई है, उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो फिल कैसे होंगे, वो सारी चीजें। ये जो एक जुमला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। व्हेन अटोमिक स्पेक्ट्रा, अटोमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा प्लूरल फॉर्म है स्पेक्ट्रम की, अटोमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंसेस वर ऑब्जर्व इन हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप। तो मैंने कहा जिस तरह माइक्रोस्कोप आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है, उसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोप आपके स्पेक्ट्रम के लिए है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक आपके पास पूरी ब्रांच है, एक पूरी स्टडी है। बहरहाल तो वहां से हमें ये ऑब्जर्व हुआ, ये पता चला, एटम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लाइंस क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। एटम के अंदर दो या दो से ज्यादा लाइन स्पेक्ट्रम है, बेसिकली यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, और वो आपके पास बहुत क्लोज होते हैं। यहाँ मैंने बिठा दिया जो शुरू में बता रहा था कि आपके पास बहुत बारीक सा महसूस होता है फर्क, वरना कलर सेम ही होता है, आपको इमिशन सेम ही नजर आती है, बहुत मामूली सा फर्क होता है। वो जो मामूली सा फर्क है वो आपके डिवीजन है इंटू सब ऑर्बिटल्स। तो ये आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर जो लिखा हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी था कि क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
फॉर एग्जाम्पल इस सब शेल से निकल के, फॉर एग्जाम्पल पी से निकल के एस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है। अब रिवॉल्व होने का मतलब क्या है कि ये या तो आपस में होगा, या इधर से निकल के एस में भी जा सकता है, इधर से निकल के डी में भी जा सकता है। तो जब ये इधर से सब शेल के अंदर ही जंप करेगा, तब भी तो अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, या तो निकालेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जब भी जंप होगा तो इमिशन क्रिएट होगी। वो जो इमिशन होगी बहुत मामूली सी होती है, वो मामूली सी आपकी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरीके से जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये सब शेल्स के अंदर डिवाइडेड है। बहरहाल ये जो लाइन है इंडिकेट करती है इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं सेम शेल के अंदर, एंड दे कैन डिफर इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट। वही जो जुमला मैंने कहा अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है। तो पहले मैंने पूरा समझा दिया, अब आपको मैं किताब के वर्डिंग्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो देयर फोर फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि एनर्जी लेवल्स आर डिवाइडेड इंटू सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स, और जितने भी आपके पास हैं इनको हम सब ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, सब शेल्स भी कहते हैं, या सब एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ये मेन चीज है, और कुछ भी अगर किताब में लिखा है वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपकी किताब ने दी हुई है, अटोमिक जो आपका अटोमिक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं फर्स्ट 18 नहीं फर्स्ट 20 पढ़ाऊंगा, वक्त हुआ तो 30 भी पढ़ा दूंगा, फर्स्ट 30। तो बहरहाल जिस तरह मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल्स दी वैसे ही है, फर्स्ट 18 वाले होंगे। उसी के मुताबिक आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड इन्होंने बताया हुआ है कि ऑक्सीजन की कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं सारी बता चुका हूँ। आगे जो कुछ भी लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स या ऑर्बिट्स, ये भी हमने पढ़ लिया के शेल के अंदर एल एम और एन के अंदर किस तरीके से डिवाइड हुआ है, के शेल में कैसे दो आ रहे हैं, एल शेल में 8, एम शेल में और एन शेल में कैसे 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये सारी बातें अभी लेक्चर में कवर हो गई, जाहिर दोबारा दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, वो चीज जो पढ़ा दी अब आपको खुद उसको किताब के लिहाज से पढ़ना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल्स, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया कि एस ऑर्बिटल के अंदर 2 आते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 आते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर 10 आते हैं, एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 आते हैं। ये सारी बातें आपकी किताब में जो लिखी हैं वो हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। 3 पॉइंट्स जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, नंबर 1 पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, पता होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करना सीखेंगे ना, तब पता, जब आपको होगा कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन है तब जाके फिल कर सकते हैं, पता होना चाहिए। नंबर 2 अरेंजमेंट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, ये जो अभी चार्ट बनाया ये पता होना चाहिए। पहले तो पता होना चाहिए कि 1 फर्स्ट शेल के शेल है, सेकंड शेल एल शेल है, ये आपको के एल एम एन ओ ये सारे शेल पता होने चाहिए। फिर पता होना चाहिए कि उन शेल्स के अंदर किस लिहाज से उनके ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ये चार्ट याद होना चाहिए, ये आपकी किताब खुद कह रही है कि ये सब याद होना चाहिए। और तीसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेल एंड सब शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में और किस सब शेल में कितने आते हैं ये पता होना चाहिए। ये 3 बातें जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं लेक्चर में, अगर पता होंगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस तरह ऑक्सीजन और सोडियम की करवाई आप कर सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स टू रिमेम्बर थे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यहाँ टॉपिक आपके ऑक्सीजन का जो लिखा है वो मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, उसमें मेरा नहीं ख्याल मुझे दोबारा से किताब के लिहाज से बताने की जरूरत है, पूरा आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि के शेल में 2 आएंगे, एल शेल में 6 आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर एस और पी ऑर्बिटल में कैसे डिवीजन होंगी, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो ये किताब के लिहाज से है, जिनके पास नोट्स है नोट्स के लिहाज से हो गया। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, एक टास्क है, जिस तरह मैंने अभी ऑक्सीजन और सोडियम ये दोनों करवाए, उस तरीके से आपने अपनी किताब में जो लिस्ट डाउन हुई हुई है, कॉलम पूरा बना हुआ है 18 एलिमेंट्स का, उनको पढ़ना है, उनको समझना है कि कैसे मेरे पास एल्युमिनियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 आए। तो ये सारी चीजें 3p1 होगा बहरहाल, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स में 3p1 तक आपके पास कैसे आए, ये सब आपको पढ़ना है। ये जब आप शुरू के 18 इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। लेकिन ये वाला टॉपिक मैं बिल्कुल एंड में इस चैप्टर के करवाऊंगा, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकूं। तो बहरहाल अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक छोटा सा रह गया है आइसोटोप्स का, वो आइसोटोप्स ऑल दो पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो आइसोटोप का ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और अब तक जितना भी काम मैंने आपको करवा दिया असाइनमेंट आपको पता है क्या करना है। असाइनमेंट क्या होता है,
हर चैप्टर के एंड में जो नोट्स के अंदर वाइब्रेशन व्यूअर मैंने दे रखे उसको आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। वो तमाम सवाल आपके बुक के भी एक्सरसाइज के प्लस पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी उसमें मौजूद है, जो सेम टॉपिक था, बेशक किताब चेंज हुई है, टॉपिक सेम था, वो सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वहाँ मौजूद हैं और आपकी जिम्मेदारी है उसको करना। तो यहाँ पर आज का लेक्चर मैं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आइसोटोप है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या, सिंपल सी कॉन्फिग्रेशन है वो करेंगे। इधर तक किसी हुए कंफ्यूजन?